नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश में लगातार विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरता नजर आता है। साथ ही उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर विपक्ष हमलावर भी रहता है। जहां एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं, वहीं इसी कड़ी में 31 जुलाई को यूपी में हुई राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। दरअसल प्रयागराज में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर सालवर बैठाने, ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने और परीक्षा केंद्रों की सज्जता भंग करने का मामला सामने आया है, जिसमें 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पेपर सालवर गैंग लीडरों और अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इन्हें यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई जब मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने लेखपाल परीक्षा में कथित रूप से पेपर लीक को लेकर सरकार पर हमला बोला था। बता दें कि यूपी में राजस्व लेखपाल परीक्षा आयोजित की जा रही है। वहीं गिरफ्तारी को लेकर एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया, राज्य के 12 जनपदों में लेखपाल राजस्व मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। एसटीएफ को पहले से ही जानकारी मिली थी कि कुछ गैंग साल्वर और ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके अभ्यर्थियों को नकल कराने का प्रयास करेंगे। यूपी एसटीएफ ने बताया कि अलग अलग स्थानों पर कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज दिनांक 31 जुलाई 2022 को लेखपाल राजस्व लेखपाल की भर्ती हेतु 12 जनपदों में 501 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा था। इसमें एसटीएफ को पूर्व से ही जानकारी मिली थी अभिसूचना संकलन के दौरान कि कुछ गैंग्स सॉल्वर्स का इस्तेमाल करके परीक्षा की शुचिता को भंग करेंगे और कुछ गैंग्स सॉल्वर्स के माध्यम से ब्लूटूथ डिवाइस आदि का इस्तेमाल करके अभ्यर्थियों को अनुचित नकल कराने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के गैंग्स की गिरफ्तारी हुई है। कुल 21 व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार हुए हैं। इसमें नरेंद्र कुमार पटेल का गैंग, जो कई लोगों को ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कराने का प्रयास कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही जिन लोगों द्वारा इसके निर्देश पर परीक्षा दी जा रही थी, उनकी भी गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही प्रयागराज से विजयकांत पटेल नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो केएल पटेल पुराना शिक्षा अथवा नकल माफिया है, उसके गैंग से संबंधित है। यह भी एक ब्रीजा गाड़ी में कुछ लोगों को बिठा करके और पेपर को सॉल्व कराने का प्रयास करा रहा था। ये साल्वर केवल यूपी के ही नहीं बल्कि बिहार से भी बुलाए गए थे। पुलिस ने नकल माफिया नरेंद्र कुमार पटेल, संदीप पटेल, विजयकांत पटेल, सहयोगी दिनेश कुमार यादव और सोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि विजयकांत ने अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए लिए थे और उन्हें बदले में ब्लूटूथ डिवाइस उपलब्ध कराई थी। वहीं पुलिस ने प्रयागराज से अभ्यर्थी दिनेश कुमार शाह, वाराणसी से दिलीप गुप्ता, कानपुर से करण कुमार को गिरफ्तार किया, जबकि पटना के रहने वाले साल्वर संजय कुमार यादव, मुरादाबाद से रविंद्र कुमार, मेरठ से मोहित और लखनऊ से सालवर राजू कुमार को अरेस्ट किया है। पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत से निवासी नीरज को भी गिरफ्तार किया, जिस पर सालवर की व्यवस्था करने के आरोप लगे हुए हैं। लेकिन इस पर अब राजनीति गर्मा गई है और सपा नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार को घेर लिया और लिखा, आज अब तो लगता है कि अभ्यर्थियों को ये आरोप सच है कि ये सब भाजपा सरकार की चाल है, जिससे कोई भी परीक्षा पूरी ना हो सके और लोगों को नौकरी ना मिल पाए, जिससे युवा पूंजीपतियों के यहाँ श्रमिक चपरासी बन के रह जाएं। इतना ही नहीं, बेरोजगारी को लेकर लगातार अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अब पेपर लीक मुद्दा उठाया। वरुण गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि आखिर कब तक संगठित रूप से चलित शिक्षा माफिया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, शिक्षा माफिया पैदा हो गए, लगातार यहाँ पेपर लीक होते रहते हैं। सरकार कार्रवाई की तो बात करती है, लेकिन होता जाता कुछ नहीं। ऐसे ही खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।